मतलब मुझे वो वैसा फील दे रहा है, कोरियन टाइप होता है ना, ये क्या ढेर लगा लिया मैंने यहाँ पे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे सभी को। और अभी हम जा रहे हैं कहीं, मतलब कहीं जा रहे हैं, अभी मैं बताऊंगी नहीं आपको, बाद में बताऊंगी। मतलब बहुत जाऊंगी आपको तभी समझ आ जाएगा, बाहर से पता चल जाएगा कि क्या है। तो वो भी हम मैं, मम्मी, माधव और निधि जा रहे हैं, हम चारों एक साथ। तो चलते हैं अभी, यहाँ बस से जाएंगे, फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे झांगीपुरी से। तो चलते हैं अभी। ऑलरेडी हम एक बार आ चुके हैं यहाँ पे, सो इट्स आवर सेकंड टाइम। शूज सेलेक्ट हो रहे हैं इधर से, बहुत ही ब्यूटीफुल मस्त मस्त शूज हैं इधर। तो इस बार बहुत ही मस्त मस्त स्वेटर्स मिल रहे हैं हमें, और बहुत सारे स्वेटर्स ले लिए हमने, स्वेट शर्ट। और देखो यहाँ पे पता नहीं अचानक से क्या हो रहा है, यहाँ पे पुलिस आती है, मतलब सब ये 2 मिनट में अंदर हो जाते हैं, सब 2 मिनट में, उससे टाइम नहीं लगाते बिल्कुल सब अपना। मार्केट से बाहर आ गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट ही बाहर है। यहाँ पे एक साइड में पार्क है जहाँ पे एक फाउंटेन भी है यहाँ पे, और यहाँ पे बेंचेस भी लगे हुए हैं जहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। तो यहाँ पे खाना पीना चल रहा है हमारा इधर, तो घर से ही बना के लाए थे, खाना तो साथ में चलता है हमारे, कहीं और से नहीं खाते, तो यहाँ पे बैठ के खा लेते हैं और ये नज़ारा देखते हुए। तो ये आ गया हमारा खाना, आलू की सब्जी एंड रोटी, और यहाँ पे बैठ के खाते हैं। उधर मम्मी और माधव खा रहे हैं, इधर मैं और निधि। सरोजनी मार्केट से निकल गए और मेट्रो में आ रहा है, मतलब पास कर लिया मेट्रो, अभी मेट्रो में बैठेंगे। और यहाँ पे देखो भीड़ कितनी है, दिखाती हूँ, ये देखो कितनी सारी भीड़ है भैया। ओ भैया कैसे जाएंगे हम, निधि तेरे को चीर के जाना है इनको। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी मेट्रो का, अभी आई नहीं है, और वहाँ पे भीड़ हमारी साइड नहीं है, पर वहाँ पे तो भी इतना फ्री है, पर यहाँ पे आजादपुर झांगीपुरी में मेट्रो कैसे मिलेगी, निधि आपको पेश करके दिखाएगी वो नज़ारा कैसे होता है। कैसे होता है, अटेंशन में, अटेंशन में खड़े रहते हैं। सो फाइनली अभी हम अपने घर आ चुके हैं, बस में आए थे,
आजादपुर से हम बस में आए थे क्योंकि फिर झांझरपुर में मिलती नहीं बस. 2000 years later. So hey everyone, और ये है next day क्योंकि जब हम ओरिजिनली गए थे उसके अगले दिन हमें कहीं फंक्शन में जाना था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी. और उसके अगले दिन फिर मेरे को एकेडमी जाना था, तो उसके अगले दिन का है ये क्लिप. ठीक है, तो अभी मैं दिखाती हूँ अपना कलेक्शन वहाँ से क्या लाए थे हम. इतना सारा सामान, वैसे सारा सामान मेरा ही है, मेरा सबसे ज़्यादा सामान आया है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो करते हैं स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाती हूँ अपने पैंट्स. ठीक है, और इतने सही पैंट थे ना. पिछली बार जब मैं सरोजनी गई थी तब तो मेरा पैंट मतलब मेरे साइज़ का तो मेल ही नहीं रहना था कुछ. मतलब इस बार मैं इतनी खुश हुई ना, इतने सारे कपड़े भर लिए मैंने. तो ये वाला ना पैंट, ये पैंट बहुत ही कंफर्टेबल है. और इसके अंदर ना मतलब कैसे बताओ, इसके अंदर ना ये पूरा गर्म रहता है, ये अंदर से कुछ अलग ही कपड़ा है इसका, वॉर्म वाला. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मैं पहन के भी गई थी इसको एक बार फंक्शन में, जब सरोजनी से अगले दिन एक फंक्शन में जाना था वहाँ पे पहन के गई थी मैं. और ये एक और पैंट है, ये थोड़ा लंबा है, मेरे को कटवाना पड़ेगा नीचे से, बाकी बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला. तो और हाँ, एक जैकेट. ओ माय गॉड, मैं इस जैकेट को कब से ढूंढ रही थी. ये जो पफ वाली जैकेट होती है, ये आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है आई थिंक, क्योंकि मैंने सारी बहुत सारी रील्स में देखा है और बहुत जैकेट्स, तो मेरे को अचानक से दिख गई है, नज़र पड़ी है मेरी अचानक से. तो मैंने सोचा पूछ के तो देखता है कितने का देगा. तो एक्चुअली है 500 की. हाँ, 500 की मिली थी हमें. और ये जो अब मैं दिखाऊंगी ना सब चीज़, ये 200 और 250 के रेंज में, इसी के बीच आसपास है. या तो 200 की होगी या फिर 250 की होगी, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं. बस ये थी 500 की. ये है कोट टाइप, ये शॉर्ट कोट होता है ना वैसे, तो ये है कोट टाइप. और ये फैंसी इतना है ना, मतलब आप किसी के भी ऊपर डाल सकते हो, मम्मी तक पहन सकती है. इतना लूज भी नहीं है, इतना टाइट भी नहीं है, मतलब सही है. इसको हाई नेक टाइप है, ये इसका हाई नेक है. एंड ये पता नहीं इसमें आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट मेरे आँखों से तो बड़ा ही अच्छा दिख रहा है. और इसका कलर भी ना आई थिंक फ़ोन में चेंज होगा, थोड़ा अलग ही आएगा, बट रियल में इसका कलर बिल्कुल थोड़ा कैसे बताऊँ मैं, इसका कलर ना अलग है. ये है, ये इसके पीछे एक छोटी सी टोपी है, और ये शॉर्ट है ऐसा है. दिखा देखो, बहुत ही क्यूट लगा ये. ऐसे डेली वेयर में इसको पहन सकते हैं, आने जाने पे भी आप अपने बूट्स पर पहन सकते हैं इसे, बहुत ही अच्छा लगेगा. दिस वन, ये मेरे को बहुत ही कंफर्टेबल लगा. निधि भी गई थी तो उसे भी पसंद आया था ये, तो मैंने ले लिया था ये. और बहुत ही सॉफ्ट है इसका कपड़ा, बहुत ही अच्छा है. ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था. ये मतलब मुझे वो वैसा फील दे रहा है, कोरियन टाइप होता है ना. ये क्या ढेर लगा लिया मैंने यहाँ पे ऐसे कपड़े का ढेर लगा लिया मैंने, बट देखेंगे बाद में. और ये है एक, ये मैं फंक्शन में पहन के गई थी उस पैंट के साथ जो मैंने दिखाया था वो, जो कि बहुत वार्म है. माधव के भी जैकेट और बड़ी मस्त लग रही है ये वाली. ये भी थोड़ी ऐसी है, पफी सी ऐसी. ये मेरे को भी आ जाएगी पता है. माधव के साइज़ के जूते मुझे भी आ रहे हैं, और मेरे साइज़ के जूते माधव को भी आ रहे हैं. तो मतलब एक्सचेंज करके पहन लेते हैं हम जूते अपने. और मैंने सोचा माधव की जैकेट भी ले लूँगी ज़रा मैं, मेरे को आ जाएगी. तो एक ये है माधव का, ये है हुडी. और मैं आपको दिखाती, पापा के लिए लाए थे ये वाली टी शर्ट. हेलो. तो एक ही टी शर्ट लाए थे पापा के लिए, बट इसमें थोड़ा हमें कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि आएगी कि नहीं ये पापा को, क्योंकि साइज़ तो पता नहीं था. तो इस वजह से मम्मी ने अपने हिसाब से ले लिया था. एक और चीज़ है, मतलब एक और नहीं, दो तीन और चीज़ है. ये है पर्स. पर्स भी इतने बहुत सुंदर मिल रहे थे उधर, क्या ही बताऊँ मैं, 200 की रेंज में. ये देखो ये कोई है सकता ये 200 का है. मतलब लुक एट दिस यार, इतने महंगे आते हैं ना ऐसे पर्स. बस मेरे को देख के ना बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा मम्मी आप यही लो, मम्मी के लिए देख रहे थे हम पर्स.
इसका कलर भी इतना यूनिक है ना, जैसे रखा हुआ था ना वहाँ पे उस शेल्फ पर, ये सबसे यूनिक लग रहा था, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने कहा आप यही दोगे और एंड दैट्स इट, ये 200 का है। तो ये रहे माधव के शूज़, जो कि बहुत ही कलर इनका ना बहुत अच्छा लगा था मुझे, ऐसे आर्मी वाला लुक आ रहा ना, आर्मी जैसे यूनिफॉर्म होती है वैसा वाला कलर है ये। और इसका ये जो है ना, ये मेरे को भी आ जाएगा, इतना छोटा पैर है मेरा, देख लो यार, माधव के शूज़ आ जाते हैं मुझे तो एडवांटेज। अब 2-3 दिन में उसके कपड़े भी लेने लगूंगी मैं। तो ये रहा हमारा भंडार जो कि हो गया यहाँ पे कपड़ों का। तो यही था सामान जो कि हम सरोजनी से लाए थे। ये सब मैंने सामान ना बाहर निकाल के रखा था ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ, फिर इसे दोबारा पैक पूक करके रख रहा है। और वैसे अभी आफ्टरनून हो रही है, अभी हमने खाना पीना खा लिया है, और खाना खाने के बाद सच ना बहुत नींद आती है। मैं उधर बैठे बैठे ना लुढ़क रही थी नींद के मारे, बहुत मतलब बैठे बैठे नींद आ रही थी मुझे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं हो रही है वैसे, गुड आफ्टरनून स्वीट, नहीं गुड आफ्टरनून बस। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ वंशिता मिश्रा व्लॉग्स। बाय।